ओम शांति। 4 सितंबर 2022, अविक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज डेट है 1/4/1992। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं से और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय है और दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी है। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपनी शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्वशक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही है। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्वशक्तियाँ अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्मा सदा सर्वशक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती है, समानता का अनुभव करती है। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्मा ही करती है। स्नेही वा भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। स्नेही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा है, इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्मा समीप है, इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान यह भी संपूर्णता नहीं। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योगी आत्मा, ये दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज़्यादा आती है। ये आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य के स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तो आत्माएं की आवश्यकता और ज़्यादा है, क्योंकि आगे के लिए समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्मा है और भी सहज आनी ही है। इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्मा की तरफ अटेंशन ज़्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है, समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्वशक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्मा ही निमित्त बनती है, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती, स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती है। बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। तो ऐसी भावना और ज्ञान स्नेह और योग यह शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो। कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो, यह चेक करो क्या रिजल्ट है। बाप दादा ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं। दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते हैं। फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया ना, पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, कोटों में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए, तन के भटकने मन के भटकने से बच गए, इसलिए खुश होते हैं ना। बच्चे भी खुश, बाप भी खुश है। खुश किस्मत वाले तो बन गए ना। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल है,
पढ़ाने वाला ऊँचे ते ऊँचा और पढ़ने वाले साधारण, लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। बाप दादा भी वीआईपी बनके तो नहीं आते ना, बाप दादा भी वीआईपी बनके नहीं आते हैं ना, साधारण रूप में आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते, इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। खुश नसीब होना कितना भाग्य मिला है, पद्मा पद्म कहना भी कुछ नहीं है। अभी भी देखो संख्या तो बहुत है। पहले सोचते थे यह इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा, और अभी क्या लगता है इससे बड़ा हॉल होना चाहिए ना। ब्राह्मणों को यह वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। जो भी आए हैं सभी आने वालों को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा परमात्मा और प्रकृति, उसमें ड्रामा भी आ जाता है, तीनों का ज्ञान चाहिए। कहा जा रहा है और अपने के लिए क्या अटेंशन चाहिए, या प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज पुल नहीं है। स्थान की, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है। ज्ञान स्वरूप माना दूरंदेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञानी योगी नहीं कहते। ज्ञान का अर्थ है समझ। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो, आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेज फुल है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ, आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेज फुल होना चाहिए। जो होता है वो तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे, हलचल में तो नहीं आएंगे ना, अचल, लेकिन आगे के लिए अटेंशन। बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितना मेहनत सहन कर पहुँचते हैं, इसके लिए तो मुबारक दे ही दी। जिस आत्मा का वर्षा है उसको प्राप्त होना ही है, वर्षे से वंचित कोई नहीं रह सकता, चाहे साकार में सन्मुख है, चाहे अपने स्थान पर मनमना भव रहते हैं। वर्षा अवश्य प्राप्त होना है, डबल नॉलेज पुल होना, हाफ नॉलेज पुल नहीं बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व खुश नसीब आत्माएँ सर्व स्नेह और योग युक्ति योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माएँ, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएँ, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएँ, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएँ, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज मधुबन में आई हुई पार्टी के एक ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के दो बुजुर्ग भाइयों ने अपना पुराना शरीर छोड़ा है, इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया है। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं को हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए, नथिंग न्यू लगता है ना। बाप दादा पर्दे के अंदर सकाश दे रहे हैं, लेकिन पाठ बजाने वाली स्टेज पर आप आत्माएं हो, अच्छा पाठ बजा रही हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर वन उन्हीं आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं, और वही सकाश कहो प्यार कहो सारे दिन की खुराक हो जाती है। ऐसे लगता है ना सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है ही। अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया पार्टी से ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते हैं। नए स्थान पर आए हो व अपने पहचानने हुए स्थान पर आए हो, यहाँ पहुँचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है, यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है, फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है, यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है। जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा, लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे यहाँ बड़ा है,
यह दूसरा नंबर, यह तीसरा नंबर है, लेकिन यह लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट सो फर्स्ट हूँ। यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है तो फर्स्ट की निशानी सदा बाप के साथ रहना, प्रत्यक्ष नहीं करना है लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वो स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता है, मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा, मैं बाबा का, कितने थोड़े से शब्द है और सेकंड की बात है। इसको इसको ही कहा जाता है सहज योगी। आपके बर्थडे में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है, सॉरी, आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसे सहज योग सीखे हो। माया आती है, बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती, बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो, हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, यूथ भी है, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए हैं। अभी कोई कहेंगे 8 मास के हैं, कोई 12 मास के, अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सिकी लदी आत्माएं हो, सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल हल कर उड़ता पंछी बनाए, उड़ती कला में ले जाएंगी। बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं, कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। अच्छा, अमेरिका पार्टी से, आप सब बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माओं हो ना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प हर बोल श्रेष्ठ होगा, कभी भी नहीं सोदा, क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना। तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की, सदा शब्द सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे, ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती है। आज खुशी का दिन है, सबसे अधिक खुशी किसको है, बाप को है या बच्चों को है? बच्चों को है। बाप दादा को ये खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करे तो कई वर्ष बीत जाए, हर एक बच्चे की महिमा बड़े बड़े शास्त्र बन जाए। विशेष आत्मा हो ऐसा निश्चय हो तो सदा मायाजित सोता हो जाएंगे। मैक्सिको ग्रुप से, जितना दूर है उतना दिल के समीप हो, ऐसा अनुभव करते हो ना। सभी ने अपनी सीट बाप दादा की दिल तक रिजर्व कर लिया है। बाप दादा एक 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 रतन की वैल्यू को जानते हैं, एक एक रतन स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है। तो अपने को इतने अमूल्य रतन समझते हो, कितना भाग्यवान आत्मा है जो इतनी दूर से भी बाप ने ढूंढ कर अपना बनाया है। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, उनसे आप पदम गुना अधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो कि जो जीवन में पाना था वो पा लिया। न्यूजीलैंड, न्यूलैंड बना रहे हो ना। स्वयं को भी नया बनाना तो विश्व को भी नया बनाएंगे ना। अपना एक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नवनिर्माण करने वाले हैं। तो जहाँ रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत को श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाप को जान लिया।
न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं, टीचर्स पीछे मिली है, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की, इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उल्लास वाले बच्चे विशेष है, समझा। वरदान, लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव, फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है, क्योंकि यदि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वह अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते हैं अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो अच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा, तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा, अब इसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। स्लोगन है, वंशवा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू।